मोदी सरकार के फैसले पर क्यों भड़के उमर और महबूबा मुफ्ती। धारा 370 हटते ही सामने आया महबूबा का असली चेहरा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से देश में सियासी उबाल आ गया है। खासकर घाटी के सियासतदा को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। यही वजह है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के कुछ ही मिनट बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बेतुके बोल सामने आने लगे। दरअसल मोदी सरकार की कैबिनेट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली सिफारिश का ऐलान किया, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान कश्मीर में नजरबंद महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन करार दिया। अपने ट्वीट में महबूबा ने लिखा, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू कश्मीर के नेतृत्व में 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था वो गलत साबित हो गया। भारत सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला अवैध और असंवैधानिक है। बात यही खत्म नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भारत सरकार के इस फैसले से पूरे उपमहाद्वीप पर बुरे नतीजे सामने आएंगे। भारत सरकार की नियति स्पष्ट हो गई। भारत सरकार जम्मू कश्मीर और उसके लोगों को डराना चाहती है। सरकार कश्मीर को लेकर किए गए अपने वादों से मुकर गई। महबूबा ने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, लोकतंत्र के मंदिर को धोखा दिया गया है। जो लोग जम्मू कश्मीर के मसले का उपाय संयुक्त राष्ट्र के जरिए निकालना चाह रहे थे उसके साथ छल हुआ है। कश्मीरियों को एलियन बना दिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान जारी कर धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को घाटी के लोगों के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 1947 में जिस भरोसे के साथ भारत से जुड़ा था आज वो टूट गया है। भारत सरकार के इस फैसले से भयानक दुष्परिणाम सामने आएंगे। इतना ही नहीं, सरकार के इस फैसले को चुनौती देने और इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले इस फैसले को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच पीडीपी प्रमुख ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने धारा 370 से छेड़छाड़ की तो हाथ नहीं बल्कि पूरा जिस्म ही जल जाएगा। इंडिया न्यूज़ बारू की रिपोर्ट।